ओम शांति। पांच विकार रूपी माया रावणर बंधन मुक्त होई संपूर्ण सुख शांति प्राप्त करिबा पाई आसंतु सुनिबा शांतिर सागर परमात्मा पितांकर केते गोटी अमूल्य महावाक्य। भगवान कहुछंती सारा विश्वर आत्मा मानंकर पिता अर्थात बेहदर बाबांकु मने पकेबा एहा हेउछे गुप्त कथा। पिला माने बाबांकु मने पकेबा द्वारा बाबा मध्य पिला मानंकु मने पकेई थांती। तेणु जो माने ईश्वर पितांक स्मृति रे रहुनांती ईश्वर मध्य किपरि तांकु मने पकेबे। वर्तमान आमे माने जीवित अवस्था रे शरीररु अलगा हेबार पाठ पढ़ुछु। कारण वर्तमान स्वयं भगवान कहुछंती जे तुम संतान मानंकु कर्मातीत हेबाकु पड़िबो। बाकी शरीर रे थिबा पर्यंत तो कर्म करिबाकु ही पड़िबो, किंतु कर्म करि मध्य बुद्धि परमात्मांक सहित लागि रहु। एहा द्वारा अवस्था सुधुरी जीव। मन को जितिबाकु पड़िबो। मन को जितिले माया को मध्य जीति पारिबा एवं जगत जीत होई जीवा। बाबा कहुछंती विनाश काले विपरीत बुद्धि। देख मो पाई शास्त्र पुराण रे कौन कौन सब लेखि दैछंती। लेखिछंती ना मो कुकुर बिलेई सबुथिरे अछि। अरे जी तुम मानंकु छी छी पतित तम प्रधान दुखीरु संपूर्ण पवित्र सत प्रधान सुखी करौछंती, तुम्हें माने पुणी तांकु सर्वव्यापी कहुछ, एते ग्लानी करुछ। एहा उपरे गभीर भावे चिंता करिवार आवश्यकता रहिछि। जदि भगवान सर्वव्यापी सबुथिरे अछंती तेबे तांकु डाकिवार कि कोन आवश्यकता रहिछि। तीर्थ यज्ञ पुण्य दान आदि करिवार कोन आवश्यकता रहिछि। पुणी जीवजंतु मारी खाई जाउछंती कोन पई। समस्तंक देहरे तो भगवान अछंती ना, किछि हेले बुझु नाहंती। जहाँ लेखा जाइछे शास्त्र रे सही अनुसारे बुझुछंती एवं सही अनुसारे अन्य मानको मध्य बुझुछंती। सेथि पई कहा जाय एहा सब अंधश्रद्धा। परमात्मा कहुछंती पांच विकार आमर परम शत्रु। सेथि मध्यरु काम विकार सबुठारु बड़ शत्रु, जहाँ कि मनुष्य सृष्टि को आदि मध्य अंत दुख दे आसुछि। जेउथि पई मनुष्य आजि पवित्र देवी देवतांक पाखकु जाई महिमा गान करुछंती कि आपण सर्वगुण संपन्न पवित्र आमे नीच निर्गुण इत्यादि इत्यादि। आज साधु सन्यासी मानकु मान्यता मिलुछि, कारण से माने पवित्र रहुछंती। पवित्रता रे शक्ति, पवित्रता सुख शांति रो जननी। तेणु भगवान कहुछंती प्रिय आत्मिक संतान माने एई संगम जुगरे निजर घर गृहस्थरे रही मध्य पवित्र रुह आउ मते मने पकाओ। तेबे मु तुमर जन्म जन्मांतरर पाप विनाश करी संपूर्ण सुख शांति प्रदान करिबी। ईश्वरीय वाणी मु शरीररु भिन्न एक आत्मा अटे। एही शरीर द्वारा मु आत्मा कर्म करुछि। शरीरर बंधनरे रहिबा अनुचित, कारण एहा मोर वस्त्र सदृश। जेपरि वस्त्र पुरुणा हेले बदला जाइथाय, ठीक एही शरीर जेतेबेले आउ कामर रहिबो नाही सेतेबेले मु आत्मा एहाकु त्याग करि अन्य एक नूतन शरीर रूपक पोशाक धारण करिबी। सर्वदा एही स्मृति रे रहिले माया आमर कौनसी क्षति घटाई परिबो नाही। निजर सठिक समाचार सद्गुरु पिता भगवान को जणैबा उचित। सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबार पुरुषार्थ करिबाकु हेब। भगवान कहुछंती डबल लाइट फरिस्ता हेबा पई देहर स्मृति ठारु ऊर्ध्वरे रहिबाकु हेब। कारण देहर स्मृति मध्य माटी सहित समान। जदि एही सृष्टि रूपी बोझ रहिबो तेबे बुद्धि भारी होइजिबो ना।
निजर देह सहित मध्य संबंध तुटी जाऊ। कारण यही शरीर वर्तमान बाबा को दे देछ, दान दिया दैथिबा जिनिष प्रति कोन मोह रखिबा उचित कि? तेणु समस्त हिसाब किताबर खाता एवं संपूर्ण संपर्क समाप्त हो जाऊ, संबंध संपर्क इत्यादि मध्य समाप्त हो जाऊ, एही भली हेबा को पड़िब। तेबे डबल लाइट अर्थात हालुका एवं प्रकाशमय स्थिति फरिस्ता होई पारिबा। जदि निजर विशेषता गुड़ी को कार्यरे लगेबा तेबे प्रतिपादरे प्रगतिर अनुभव हेब, जीवन सार्थक हेब, आत्मार उन्नति हेब। अच्छा, आज पाई एतिकि, पुणी आसंता काली ठीक ए समय रे मु आपण मानन को सम्मुख को आसीबी से परम प्रिय परमात्मांकर आउ किछि अमूल्य महावाक्य को नै। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पांच विकार रूपी माया रावणर बंधनरु मुक्त होई संपूर्ण सुख शांति प्राप्त करिबा पई आसंतु सुनिबा शांतिर सागर परमात्मा पितांकर केतेगुटी अमूल्य महावाक्य। भगवान कहुछंती सारा विश्वर आत्मा मानंकर पिता अर्थात बेहदर बाबांकु मने पकेबा एहा हेउछे गुप्त कथा। पिला माने बाबांकु मने पकेबा द्वारा बाबा मध्य पिला मानंकु मने पकेई थांती। तेणु जेऊ माने ईश्वर पितांक स्मृति रे रहु नाहंती ईश्वर मध्य किपरि तांकु मने पकेबे। वर्तमान आमे माने जीवित अवस्था रे शरीररु अलगा हेबार पाठ पढ़ुछु। कारण वर्तमान स्वयं भगवान कहुछंती जे तुम संतान मानंकु कर्मातीत हेबाकु पड़िबो।